हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वीटी बधाली एंड वेलकम टू एसडी एकेडमी क्लासेस। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था नॉमेनक्लेचर के बारे में, वहाँ पे हमने जनरल चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम एक्चुअल में नेमिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए, आप देख भी सकते हैं पीछे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ठीक है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ के साथ मैं आपको बताते रहूँगी कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है नेमिंग करते वक्त। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है CH3 का होल ट्वाइस, CH CH Cl CH3। अच्छा, सबसे काम की बात जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपको कोई कंपाउंड ऐसे ब्रैकेट में मिलता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ भी नहीं पता होता है कि ब्रैकेट का मतलब क्या है। तो कोई भी चीज़ या कोई भी ग्रुप अगर आपको ब्रैकेट में मिल रहा है तो आपको ध्यान रखना है, ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर ग्रुप ब्रांचिंग में है। अब जैसे कि यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस है, इसका मतलब CH3 जो कि आपका मिथाइल ग्रुप होता है वो दो बार है और वो ब्रांचिंग में है, किसके साथ? नेक्स्ट कार्बन के साथ। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? CH। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? CH। अब ये जो CH है, इस CH पर ये CH3 दो बार ब्रांचिंग में है। अब आपकी मर्जी है कि आप उस CH3 को ऐसे लिखना चाहते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप उस CH3 को ऐसे लिखना चाहते हैं, सेकेंड CH3 को आपकी मर्जी है कि आप नीचे दिखाना चाहते हो कि ऊपर दिखाना चाहते हो। मैं सिंपलिसिटी के लिए नीचे दिखा रही हूँ। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जो बच्चा बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीख रहा है उसको भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे। आगे क्या है हमारे पास? CH। CH के बाद नेक्स्ट क्या है? Cl। Cl का मतलब क्या है? आप Cl फिर से ब्रैकेट में है, इसका मतलब वो Cl जो है, क्लोरीन जो है, वो अगेन कहाँ पर है? ब्रांचिंग में। उसके बाद क्या है? CH3। अब IUPAC में जब हम नेमिंग करते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं, तो जो आपका फर्स्ट रूल होता है वो ये होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको ढूंढनी है, इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढने की कोशिश करें तो देखिए क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अगर आपको कोई और पॉसिबिलिटी दिख रही है, मुझे तो यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है इसके अलावा, और इसके अलावा इसको हम इसलिए अज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी 3 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मान रहे हैं इसको। अब सेकेंड जो हमारे काम की बात आती है वो आती है नंबरिंग की, कि हम नंबरिंग कहाँ से करें। तो ऑब्वियस सी बात है, नंबरिंग जो है हमारी वो कहाँ से होगी? हैलोजन के तरफ से होगी। ठीक है, अब जब हम इसकी नेमिंग हम करेंगे तो हमें लिखते टाइम क्या ऑर्डर फॉलो करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे 2 पे क्या है? क्लोरो। और 3 पे क्या है? CH3। CH3 के लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? मिथाइल। तो क्लोरो का C पहले आएगा अल्फाबेटिकली या मिथाइल का M? ऑब्वियस सी बात है, C पहले आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। Cl के लिए क्या लिखते हैं? क्लोरो, पहला लेटर कैपिटल और लेटर और नंबर के बीच में हाइफन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? और क्या चीज़ है जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट हम किसको कहते हैं? जो हमारा पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ऐसा ग्रुप। तो यानी कि CH3 जो है, CH3 क्या होता है? मिथाइल। मिथाइल कौन से नंबर पर आ रहा है? 3rd पे। तो हम क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल। उसके बाद पेरेंट में हमारे कितने कार्बन आ रहे हैं? 4। 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ब्यूट। और सभी कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्डेड। तो हम क्या लिखेंगे? ए। तो इस कंपाउंड की जो हमारी नेमिंग है वो क्या हुई? 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, CH3 CH2 CH CH3। अब देखिए ये वाला जो CH3 है ये कहाँ आ गया है? ब्रैकेट में, यानी कि ये कहाँ रहेगा? ब्रांचिंग में। फिर CH, फिर आ गया C2H5। C2H5 आपका क्या होता है? इथाइल ग्रुप। ये भी आपका ब्रांचिंग में है, एंड अगेन नेक्स्ट क्या है आपका? क्लोरीन। तो आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा? CH3। उसके बाद मैंने क्या लिखा? CH2। CH2 के बाद मैंने क्या लिखा? CH। CH के बाद CH3 ब्रैकेट में आया, यानी कि वो कहाँ जाएगा? ब्रांचिंग में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आया? CH। CH के बाद क्या है? C2H5। C2H5 हमारा इथाइल ग्रुप होता है, आप इसको CH2 CH3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फिर से आपका ब्रांचिंग में है, मैं इसको ओपन करके लिख रही हूँ।
ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है। खतरनाक चीज़ कैसे होती है, देखिए कई बार कई बच्चे क्या करते हैं कि कंपाउंड का ब्रैकेट ओपन करके नहीं लिखते हैं, ठीक है। और जब हम नंबरिंग करते हैं तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन जो होती है वो हिडन होती है और हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो सबसे सेफ साइड आप चलिए, अगर आप बिगिनर्स हैं तो बिगिनर्स को तो मैं स्पेशली ये चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आप सेफ साइड चलिए और जो भी आपका ग्रुप होता है उसको आप ओपन करके लिखिए, सो दैट जब आप नंबरिंग के लिए कार्बन नंबर करें, कैलकुलेट करें, तो आपको पता चले कि हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक्चुअल में बन कहाँ पर रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसका ओपन स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना दिया। ओपन उस तरीके का ओपन नहीं है कि हम लोग सारे बॉन्ड दिखा रहे हैं, बट हमने उसको थोड़ा सा ईजी फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे बन रही है। देखिए 1 2 3 4 पता ही चल रहा है, नहीं बनेगी। 1 2 3 4 5 6 दूसरा देखिए 1 2 3 4 5 ठीक है 4 5 6 यहाँ से चल रहे हो या यहाँ से चल रहे हो आपकी एक ही बात है। अभी तक जब तक आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ रहे हो नंबरिंग के टाइम पे एक ही बात नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो बनी है वो कौन सी बनी है, ये वाली, ठीक है। अब देखिए अब हम करते हैं नंबरिंग की बात। नंबरिंग में अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो देखिए मैं इसको कलर्ड पेन से करती हूँ सो दैट आपको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी आसानी रहे। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ, ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं 5 4 6 को, तो यहाँ पे हमारे मिथाइल को कौन सा ग्रुप नंबर मिला है, मिथाइल ग्रुप को कौन सा नंबर मिला है 3, और यहाँ पे क्लोरीन को कौन सा नंबर मिला है 4। अब दूसरे तरीके से नेमिंग करते हैं, ब्लू मार्कर ले लेते हैं, यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लोरीन को कौन सा मिला है 3 और मिथाइल को कौन सा मिला है 4। तो ऑब्वियस सी बात है प्रायोरिटी हम किसको देंगे, प्रायोरिटी हम देंगे हैलोजन को, और हैलोजन हमारा यहाँ पर क्या है, क्लोरीन। तो हमारी कौन सी नंबरिंग जो है वो एक्यूरेट मानी जाएगी, ये वाली ब्लू वाली 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैं ग्रीन वाला हटा देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे, मैं दोनों पॉसिबिलिटी आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में किसी भी तरीके का डाउट ना रहे, ठीक है। अब लिखते टाइम जब हम लिखेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम क्या ऑर्डर फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आप देखिए क्लोरो पहले आएगा कि CH3 पहले आएगा, मिथाइल सी पहले आएगा कि एम पहले आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि सी पहले आएगा। तो यानी कि हम इसकी नेमिंग क्या लिखेंगे, 3-chloro आएगा, क्लोरो पहला लेटर कैपिटल हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट के बारे में जो कि आपका CH3 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4-methyl। फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आपके कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 6 के लिए हम क्या लिखते हैं हेक्स, और सभी आपके कार्बन जो हैं वो क्या है सिंगल बॉन्डेड है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे A। तो आपके इस कंपाउंड की जो नेमिंग हुई वो क्या हुई, 3-chloro-4-methyl-hexane। कुछ बातें जो मैंने आपको कल आपको पिछले अपने वीडियो लेक्चर में बताई थी मैं फिर से बता रही हूँ, नंबर और नाम के बीच में हाइफन, नाम और नंबर के बीच में हाइफन, फिर से नंबर और नाम के बीच में हाइफन। आयोपैक नेमिंग में हम कहीं पर भी स्पेस नहीं देते। थर्ड एग्जांपल में देखिए क्या है, CH3 के बाद क्या है CH के बाद क्या है CH3 ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब क्या है कि वो ब्रांचिंग में है। नेक्स्ट क्या है CH, फिर आपका फिर से क्या है ब्रोमीन, ब्रैकेट का मतलब ब्रांचिंग में है, और फिर क्या है आपका CH3। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, इसको तो देखेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी 3 कार्बन की आ रही है, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई है, ठीक है। जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ब्रोमीन की तरफ से, ताकि ब्रोमीन को कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4। जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो नेमिंग में देखिए अब ब्रोमीन है, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो प्रीफिक्स लगाते हैं, और CH3 मिथाइल है, इसके लिए हम मिथाइल लिखेंगे, M है, तो यानी कि B और M, तो M पहले आएगा कि B, ऑब्वियस सी बात है B पहले आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2-bromo
मिथाइल, और पेरेंट में कितने कार्बन है? चार। चार के लिए हम क्या लिखेंगे? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एक। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, तो क्लासिफिकेशन आप मुझे बताइए इसकी क्या होगी? हेलोजन आपका किससे जुड़ा हुआ है? अल्काइल ग्रुप से। तो ये आपका क्या है? अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये मैंने ऐसे जनरली डिस्कस कर लिया है ताकि हम प्रीवियस चीज को भी रिवाइज करते रहें। और हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अदर दो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये आपका क्या है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए CH3 कितनी बार आ गया है? तीन बार। तीन बार का मतलब क्या है? ब्रैकेट में, यानी कि वो क्या है? ब्रांचिंग में। ठीक है, अब आगे देखिए इसके बाद क्या है? कार्बन। तो यानी कि कार्बन और CH3 आपका ब्रैकेट में है, इसका मतलब क्या है? ये ब्रांचिंग में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? CH2। CH2 के बाद क्या है? CH। CH के बाद क्या है? BR। और BR के बाद क्या है? C6H5। जब हम बात करते हैं C6H6 की, तो वो क्या होता है? बेंजीन। बेंजीन जब किसी चीज के साथ जुड़ती है तो एक हाइड्रोजन हटता है, तो यानी कि वो आपका क्या बन जाता है? C6H5। इसके लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं? हम प्रीफिक्स यूज करते हैं फिनाइल। ठीक है, तो हम यहाँ पर बना देते हैं अपनी सुंदर सी बेंजीन रिंग, बिकॉज वी ऑल आर केमिस्ट्री लवर्स, है ना? ऑब्वियसली बात है, केमिस्ट्री लवर है तभी तो यहाँ पे है, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ढूंढेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमने इसको स्ट्रेट वाले को चूज कर लिया। अब हम करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग के लिए देखिए प्रेफरेंस यहां से होगी 1 2 3 4। अब कितने ग्रुप हैं आपके जो आपके पेरेंट चेन से बाहर है? CH3 यानी कि मिथाइल, BR यानी कि ब्रोमो, और बेंजीन रिंग यानी कि फिनाइल। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली आपको पता है राइटिंग के टाइम जब हम लिखते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो यानी कि सबसे पहले आपका क्या आएगा? ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। ब्रोमीन आपके जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नंबर वन है, यानी कि हम क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है? मिथाइल, और इसके लिए क्या है? पी। एम पहले आएगा कि पी? MNOP। तो अल्फाबेटिकली M पहले आता है, यानी कि हम मिथाइल की नेमिंग पहले करेंगे। अब कितनी बार मिथाइल यहाँ पर आपको दिख रहा है? दो बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो दोनों के लिए अलग अलग नंबरिंग होगी, तो ये आपका क्या बन जाएगा? 3.3। अब एक नई बात, जब भी हम नेमिंग करते हैं और नेमिंग के दौरान नंबरिंग आती है तो दो नंबर्स के बीच में हम क्या लगाते हैं? कॉमा। ठीक है, अब क्या चीज आपके दो बार है? CH3, है ना? तो जब हमारे पास कोई सेम लीगेंड या आप ग्रुप कह सकते हो, ठीक है, जब कोई भी हमारे पास सेम ग्रुप दो बार आता है तो हम प्रीफिक्स लगाते हैं डाई, तीन बार आता है तो लगाते हैं ट्राई, चार बार आता है तो लगाते हैं टेट्रा, पांच बार आता है तो हम लगाते हैं पेंटा। तो यहाँ पे हमारा CH3 कितनी बार है? दो बार है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? डाई। क्या चीज दो बार है? CH3। तो CH3 के लिए क्या लिखा जाएगा? मिथाइल। ठीक है, फिर आगे हमारा क्या है? 1 फिनाइल, और कितने कार्बन? तो चार कार्बन है, यानी कि हम क्या लिखेंगे? ब्यूट। आगे भी लिख सकते हो, कंटिन्यूएशन में मैं नीचे लिख रही हूँ ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आ गया? फिर से मैं आपको याद दिला दूं, आपको ध्यान रखना है कि नेमिंग के दौरान आपका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, नंबर और नाम के बीच में हाइफन, नंबर नंबर के बीच में कॉमा, और कहीं पर भी स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे प्रीफिक्सेस होते हैं डाई ट्राई टेट्रा, ये कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने में अपना रोल प्ले नहीं करते हैं। ठीक है, इनसे इनको देख के हम कभी भी डिसाइड नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा एग्जाम्पल है CH3 CH CH3 CHBr CH3, तो देखा देखा सा लग रहा है, सेम आप देख लो, ये आई थिंक मिसप्रिंट हो गया है बुक में। ठीक है, बिल्कुल दोनों के दोनों सेम एग्जाम्पल हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे हेलोजन चेंज कर लेते हैं, क्लोरीन कर लेते हैं। ये मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ कि आप इसको आप खुद से ट्राई करें, ऑब्वियसली बात है जब तक आप करेंगे तो आएगा नहीं। अब अगला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, 6CH3। CH3 के बाद क्या है? C कार्बन। कार्बन पे फिर उसके बाद देखिए ब्रैकेट में क्या आ गया है? CH2 2 टाइम्स आ गया है,
C2H5 टू टाइम्स आ गया है, ठीक है। C2H5 हमने टू टाइम्स लिख लिया और CH2 भी आ। अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि जब भी C2H5 जैसी चीज आती है या C3H7 या C4H9 जैसी चीज आती है, आप उसको ओपन करके लिखा करो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा लॉन्गेस्ट चेन कैसे छुपी हुई है। अगर आप इसको ऐसे देख रहे हो तो आपको क्या लगेगा कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन क्या है, 3 कार्बन की। पर देखो अगर आप इसको ओपन करके लिखो, ठीक है, ओपन करके हम लिख कर देखते हैं, CH2 CH3, इसको भी हम ओपन करके लिख कर देखते हैं, तो ये क्या बनेगा, CH2 CH3। अब देखो दिखाई दे रहा है, 1 2 3 बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसको ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, ठीक है। अब हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किसको मान रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसको हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मान रहे हैं, इसको मान लिया, ठीक है। तो अब देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हेलोजन को कब नंबर मिले, है ना, तो यानी कि वो हमारा क्या होगा, 1 2 3 4। अब कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं आपके जो आपके पेरेंट से बाहर हैं, एक मिथाइल है, एक आपका C2H5 यानी कि CH2CH3 इथाइल ग्रुप बाहर है, और एक आपका Br ब्रोमो बाहर है, ठीक है। तो जब हम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करेंगे, आप सभी को पता है, तो यानी कि क्या बनेगा, ये 1 ब्रोमो, ठीक है। अब M पहले आएगा कि E, E पहले आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इथाइल, इसके लिए लिखा है इथाइल, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तो क्या बनेगा, 2 मिथाइल, ठीक है। पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 4, 4 के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ऊपर वाले के केस में डिस्कस करते हैं, देखो हेलोजन आपका जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पे क्या है, बेंजीन रिंग, तो ये आपका क्या बन गया, बेंजाइल हैलाइड। साथ के साथ हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अदर कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 2 के साथ, तो ये आपका क्या है, सेकेंडरी। आप इसको बेंजाइलिक हैलाइड भी कह सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पे देखते हैं हम, जो ब्रोमीन है आपका, ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप से, तो ये आपका क्या है, एल्काइल हैलाइड। और हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 1 के साथ ही, तो यानी कि ये क्या है आपका, ट्राई, ठीक है। सो हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि भाई जो छोटी छोटी बातें हैं नेमिंग को लेके, जो आप दिक्कत फेस करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसको शायद हमने डाउट को क्लियर कर लिया होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। Thank you.